मैंने आज आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा का स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बुलाएंगे, हम लोग हानी भुसा हैं, हम लोग भूमिपुत्र हैं। अगर आप हमें सम्मान देंगे, अगर आप हमें सम्मान से बुलाएंगे तो हम आएंगे, और अगर आप हमें बुलाएंगे क्योंकि हमें कुछ पोस्ट ऑफर करना है तब नहीं। तिपरा मौथा इसके लिए नहीं बना था, तिपरा मौथा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए बना था। तो मेरा रिस्पॉन्स है, आप सम्मान से बुलाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे बात कीजिए, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, लेकिन आपको हमें सम्मान देना पड़ेगा। और जो हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारी जमीन का, हमारे पॉलिटिकल राइट्स का, हमारे इकोनॉमिक राइट्स का, हमारा भाषा का, हमारा समाजपति का, आपको वो हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैं तिपरा मौथा का चेयरमैन नहीं, मैं हानी भुसा भी हूं। हानी भुसा को आप प्यार करोगे, हम प्यार से आते हैं। हानी भुसा को आप छोड़ के त्रिपुरा में शासन करना चाहते हैं तो आपको आने वाले दिन में कष्ट होगा। मैं अपने तिपरा सा वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, आपने मुझे भरोसा करके हमें वोट किया और हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते। ये हमारा जो सल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन, ये सबके लिए होना चाहिए, दो तीन लोगों को मंत्री और अच्छा पोस्ट देने के लिए नहीं। अगर ये बात में हमारा बात चलेगा तो हम आएंगे, और अगर ये आपको करना है तो राइटिंग में होना होगा। टू ऑल माई वॉरियर्स, आई लव यू, यू हैव फॉट विथ मी, यू हैव सपोर्टेड मी, एंड आई कैनॉट लेट यू डाउन। Let them call me with dignity, with honor, and I shall come. Let them call us because we are the son of the soil and we have to be respected in our land. And if anyone wants to run Tripura by ignoring the indigenous population of Tripura, they will not find it very easy to run the state. So, I have heard what Hemanta Biswa Sarma has said, the Honorable Chief Minister of Assam, but it has to be officially followed. And I have to officially be asked to come to discuss not about posts, not about individual seat sharings, but we have to be offered a constitutional solution. Call us for that and we will come and talk. We are, after all, proud people, and we will go with pride, and we will not go to Delhi asking for something which was ours and which was taken away from us. Belaino hambai khulunkha.